हेलो स्टूडेंट्स स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज में आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम कवर करने वाले हैं टॉप थर्टी फाइव एम जो कि हैं हमारे चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ फ्लूड फ्लो से इसमें जो एम पूछे गए हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं जो आपके आने वाले कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स में और आपके रेगुलर एग्जाम्स में हेल्पफुल साबित होंगे चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन ए 25 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप कैरीज ऑयल थ्रू इट विच फ्लोज एट ए वेलोसिटी ऑफ थ्री मीटर पर सेकेंड एट अनदर सेक्शन द डायमीटर इज 20 सेंटीमीटर फाइंड द वेलोसिटी एट दिस सेक्शन इसमें हमने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है दूसरे सेक्शन पे जिसमें डायमीटर गिवन है और फर्स्ट सेक्शन का भी डायमीटर गिवन है और वहाँ पे उसकी वेलोसिटी भी गिवन है तो इसमें हम कंटिन्यूटी इक्वेशन को अप्लाई करते हैं इसका आंसर हमारा आता है 4.68 मीटर पर सेकंड कैसे आता है अब देखिए हम सोल्व करके दिखाते हैं इसको ये है हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन जिसमें एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्शन इन विलोस्टी ऑफ एट फर्स्ट सेक्शन इज इक्वल टू है जो सेकेंड सेक्शन का एरिया इंटू विलोस्टी से तो फर्स्ट सेक्शन का एरिया हमारा ये है पाई इंटू डी स्क्वायर बाई फोर इंटू विलोस्टी जो कि हमारी तीन मीटर पर सेकेंड इसको जब हम इक्वेट करते हैं सेकेंड एरिया से तो यहाँ से हमारा वी टू निकल के आता है इसके अब हम कैंसिल आउट करेंगे पाई से पाई कैंसिल फोर से फोर कैंसिल और ये हो जाएगा हमारे फाइव इंटू फाइव और ये हो जाएगा फोर इंटू फोर इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आता है v2 टू इज टू फोर पॉइंट सिक्स एट मीटर पर सेकेंड जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी ओके ये क्वेश्चन डी में पूछा गया क्वेश्चन है चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेसेसरी कंडीशन फॉर द फ्लो टू बी यूनिफॉर्म इज़ दैट यूनिफॉर्म फ्लो होने के लिए नेसेसरी कंडीशन इसमें से कौन सी होती है दिलोस्टी चेंजिस ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम टाइम का इसमें कोई रोल नहीं होता द विलोस्टी इज़ कॉन्स्टेंट एट पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो ये ऑप्शन हमारे गलत हैं दोनों थर्ड ऑप्शन द विलोस्टी इज़ कॉन्स्टेंट इन ए फ्लो फ्लू विद रेस्पेक्ट टू स्पेस ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट right है तो ऑप्शन सी है हमारा बिल्कुल राइट right, क्योंकि यूनिफॉर्म फ्लो स्पेस के अकॉर्डिंग कॉन्स्टेंट रहता है एक स्पेस पे ये एक पॉइंट पे जो फ्लू पैरामीटर्स होंगे वो चेंज नहीं होते विद रेस्पेक्ट टू स्पेस ओके ये ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर नेक्स्ट है कंटिन्यूटी इक्वेशन डील्स विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी मोमेंटम और नन ऑफ दिस. तो कंटिन्यूटी इक्वेशन हमारी होती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो कि है ऑप्शन नंबर ए बर्नोलिज इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू कंप्रेसिबल फ्लूड इनकम्प्रेसिबल फ्लूड बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस. तो बर्नोलिज इक्वेशन हमारी होती है ऑप्शन नंबर बी इनकम्प्रेसिबल फ्लूड पर एप्लीकेबल नेक्स्ट क्वेश्चन है वट टाइप ऑफ फ्लो कैन बी टेकन फॉर ग्रांट इन पाइप ऑफ ए यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन अगर किसी पाइप का क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है तो उस पाइप से जो फ्लो निकलेगा तो उसको हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं स्टडी फ्लो अनस्टडी फ्लो यूनिफॉर्म फ्लो नॉन यूनिफॉर्म उसको हम कंसिडर कर सकते हैं यूनिफॉर्म फ्लो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है वैन एन एयर अज्यूम टू बी इनकम्प्रेसिबल एयर को हम कब इनकम्प्रेसिबल अज्यूम कर सकते हैं तो उसको हम अज्यूम कर सकते हैं इनकम्प्रेसिबल जब वो कम स्पीड पे हो तो ऑप्शन ए है हमारा राइट आंसर एट लो स्पीड वी कैन अज्यूम एयर एज इनकम्प्रेसिबल ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फ्लो इज लेमिनार इनसाइड द बाउंड्री लेयर एंड टर्बुलेंट आउटसाइड नेक्स्ट ऑप्शन है फ्लो इज़ टर्बुलेंट इन साइड द बाउंड्री लेयर एंड लेमिनार आउटसाइड नेक्स्ट फ्लो इज लेमिनार बोथ इन साइड एंड आउटसाइड ऑफ द बाउंड्री लेयर नेक्स्ट ऑप्शन फ्लो इज़ टर्बुलेंट बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द बाउंड्री लेयर तो हमारा जो फ्लो होता है वो बाउंड्री लेयर के अंदर हमारा लेमिनार होता है और उससे बाहर होता है टर्बुलेंट तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा राइट right आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी इसमें आपने ऑप्शन इसका करेक्ट देख लिया है फिर भी हम इसको ट्राई करते हैं द विलोस्टी ऑफ एंट्रेंस एंड एग्ज़िट थ्रू ए नोज़ल रिमेंस द सेम इज़ दिस एवर पॉसिबल अगर नोज़ल की हम बात करें तो उसमें एंट्रेंस और एग्ज़िट पे जो विलोस्टी है वो सेम होती है वो किस केस में होती है ये हमें बताया गया जैसे हमने ऑप्शन देख लिया इसका ऑप्शन है फर्स्ट हमारा राइट आंसर ओनली इफ द फ्लो इज कंप्रेसिबल अगर फ्लो हमारा कंप्रेसिबल है तो लोजल के एंट्रेंस और एग्जिट पे हम उसकी वेलोसिटी को सेम कंसीडर कर सकते हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्री फ्लोज नेम वन टू एंड थ्री आर ऑब्जर्व द रिनोल्ड्स नंबर फॉर थ्री आर हंड्रेड वन थाउजेंड एंड टेन थाउजेंड विच ऑफ द फ्लो इज लेमिनार तो लेमिनार की कंडीशन क्या होती है जब फ्लो की रेनोल्स नंबर हमारा टू थाउजेंड से कम होता है तो उनको हम लेमिनार कंसिडर करते हैं तो इसमें टू थाउजेंड से कम कौन सा है हंड्रेड एंड वन हंड्रेड वन थाउजेंड ये दोनों हमारे कम हैं टेन थाउजेंड इससे ज़्यादा है इस दो हज़ार से तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे तो फर्स्ट एंड सेकेंड हमारे हैं राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर बी है फर्स्ट एंड सेकेंड राइट आंसर वट विल बी द देप ऑफ पाथ लाइन फोर एंड वन डायमेंशनल फ्लो बी लाइक वन डायमेंशनल फ्लो जो पाथ लाइन है उसको हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं वो होती है बिल्कुल स्ट्रेट कर्व नहीं होती हैं तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट right है स्ट्रेट लाइन द नेसेसटी कंडीशन फॉर द फ्लो टू बी स्टडी इज़ दैट जो हमारी फ्लो स्टडी हो तो उसके लिए नेसेसटी कंडीशन क्या होती है ऑप्शन ए द विलोस्टी इज कॉन्स्टेंट एट ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम दिलोस्टी चेंज इज एट ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम द दिलोस्टी डज नॉट चेंज फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस ऑल ऑफ द दो तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्योंकि जो फ्लो की जो विलोस्टी है वो चेंज नहीं होती विद रेस्पेक्ट टू टाइम ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए फ्लो फील्ड द स्ट्रीम लाइन एंड इक्वीपोटेंशल लाइन इसमें ऑप्शन है कट ऑर्थोगोनली एक्सेप्ट एट स्टेग्नेशन नेक्स्ट ऑप्शन कट एट एनी एंगल सी ऑप्शन द ऑर्थोगोनल एवरीवेयर इन द फ्लो फील्ड एंड लास्ट ऑप्शन आर पैरेलल तो ये क्वेश्चन हमारा डी एस एस बी जे में पूछा गया क्वेश्चन है तो इक्वीपोटेंशियल लाइन एंड स्ट्रीम लाइन कट करती हैं ऑर्थोगोनली एक्सेप्ट एट स्टेगनेशन ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर बर्नोलिस्थोरम डील्स विद द प्रिंसिपल ऑफ ये होता है हमारा मास मोमेंटम फोर्स और एनर्जी तो राइट right आंसर है हमारा एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल पर बर्नोलिस्थोरम डील्स करती है ओके यही क्वेश्चन भी डी एस एस पी में पूछा गया है नेक्स्ट है इफ द रिनोट्स नंबर इज लेस दैन टू थाउजेंड दैन द फ्लो इज लेमिनार यह आपको अच्छे से आज आ गया होगा याद होगा ऑप्शन नंबर बी है हमारा राइट आंसर नेक्स्ट है इफ ए लिक्विड एंटर्स ए पाइप ऑफ डायमीटर डी विद ए विलोस्टी वी देन व्हाट विल इट्स विलोस्टी एट द एग्जिट इफ द डायमीटर रिड्यूस टू जीरो पॉइंट फाइव टाइम्स ऑफ डी इसमें पूछा गया है अगर एंट्रेंस पे उसका डायमीटर डी है और उसकी विलोस्टी फ्लूड की विलोस्टी वी है तो उसकी विलोस्टी क्या होगी अगर एग्जिट पॉइंट पे उसका डायमीटर कम कर दिया गया हो ज़ीरो पॉइंट फाइव टाइम्स ओके तो इसमें हम सोल्व करके देखते हैं ये देखिए इसका ये सॉल्यूशन ये इसका आंसर ये रिड्यूस होने के बाद वहाँ पर इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है और वो भी फोर टाइम्स ये भी आया कैसे रिलेशन ये देखते हैं हम यहाँ से इसमें भी कंटिन्यूटी इक्वेशन का हमने यूज़ किया है ए वन वी वन इजल टू ए टू वी टू तो एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्शन जहाँ पे लिक्विड एंटर कर रहे हैं एंड ए टू है हमारा एरिया ऑफ एग्जिट पॉइंट तो वहाँ पर डी है हमारा पॉइंट फाइव टाइम ऑफ डी हमने इसको पुट किया वैल्यू को यहाँ पे और ये हमारा एजिटीज रहेगा क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं है दोनों को जब हम सोल्व करते हैं तो आंसर हमारा आएगा V2 टू इज टू फोर टाइम्स ऑफ V1 वन फोर टाइम्स ऑफ V1 जो एग्जिट पॉइंट पे हमारा V होगा वो फोर टाइम्स होगा हमारे एंट्रेंस पॉइंट से ज़्यादा नेक्स्ट है द पाइप ऑफ डायमीटर D1 एंड d2 कवर्स कन्वर्ज सॉरी कन्वर्ज टू फॉर्म ए पाइप ऑफ डायमीटर 2d, डी इफ द लिक्विड फ्लोज विद दिलोस्टी ऑफ v1 वन एंड वी टू इन द टू पाइप्स देन वट विल बी द फ्लो विलोस्टी इन द थर्ड पाइप इसमें पूछा गया दो पाइप्स हैं उनको हमने कन्वर्ज कर दिया एक सिंगल पाइप में और उसके डाइमीटर हैं डी वन और तीसरे पाइप के डायमीटर है टू तो वी और वी है हमारी विलोस्टीज ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड पाइप तो उसने पूछा है द विलोस्टी ऑफ द थर्ड पाइप क्या होगी तो इसको हम सोल्व करके देखेंगे इसका ऑप्शन है हमारा राइट right, ये सी ये कैसे आया इसमें हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन का ही यूज़ किया है ए वन वी वन प्लस ए टू वी टू इजल टू ए वी ए वन वी वन है फर्स्ट पाइप का एरिया एंड वेलोसिटी ए टू वी टू एरिया ऑफ सेकेंड पाइप एंड इट्स विलोस्टी एंड ए है एरिया ऑफ थर्ड पाइप जो कि कन्वर्ज होने के बाद बनी है और उसकी विलोस्टी तो इसमें देखिए इसमें डायमीटर इसका चेंज है जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया बाकी सारी चीज़ इसमें कोई चेंज नहीं है ये एरिया ऑफ फर्स्ट पाइप और विलोस्टी ये एरिया ऑफ सेकेंड पाइप और बिलोस्टी और ये है एरिया ऑफ थर्ड पाइप और इसकी विलोस्टी इन दोनों का हम इक्वेट करते हैं इक्विवेलेंट रखने के बाद हमने डी स्क्वेयर बाई फोर और पाई को कॉमन निकाल लिया और ये लिंक हमने ऐसे लिख दिया वी वन प्लस वी टू इसको जब हमने इक्वेट किया तो वी की वैल्यू हमारी आती है वी वन प्लस वी टू बाई फोर जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है टू पाइप्स ईच ऑफ डायमीटर d कन्वर्ट टू फॉर्म ए ए पाइप ऑफ डायमीटर कैपिटल डी वट शुड बी द रिलेशन बिटवीन स्मॉल डी एंड कैपिटल डी सच दैट द फ्लो विलोस्टी इन द थर्ड पाइप बिकम डबल्स ऑफ द इन ईच ऑफ द पाइप दोनों पाइप से उसमें विलोस्टी कितनी होगी तो वो इसमें बताया पूछा है ये देखिए दो पाइप्स हैं उनको हमने कन्वर्ज करके तीसरा पाइप बनाया दोनों पाइप का डायमीटर डी है और तीसरे पाइप का कन्वर्ज पाइप का डायमीटर कैपिटल डी है और इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है डबल्स में तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ए है हमारा राइट आंसर ये आया कैसे ये देखते हैं ए वन वी वन प्लस ए टू वी टू इजल टू ए वी ये भी हमारा बिल्कुल सेम है बट इसमें डिफरेंस क्या आएगा D1 हमारा सेम है D2 हमारा सेम है और कैपिटल D यहाँ पे डिफरेंस आता है कैपिटल D का तो इनको हम जब कॉमन निकालते हैं और कैंसिल आउट करते हैं तो हमारा राइट right आंसर आएगा D1 वन स्मॉल डी इज इक्वल टू कैपिटल डी जो कि हमारा ऑप्शन नंबर वन ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट right आंसर है नेक्स्ट है इन विच मेथड द फ्लूड फ्लो एनालिसिस डू वी डिस्क्राइब द मोशन परमानेंट एट ए पॉइंट तो ये जो ऑप्शन है किस एनालिसिस में हमें ये बताया जाता है कि फ्लोड जो फ्लो कर रहे हैं उसके मोशंस पैरामीटर्स किस मेथड में बताए जाते हैं तो वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी यूलेरियन मेथड यूलेरियन मेथड इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं इन यूरेलियन मैथड वी डिस्क्राइब विलोस्टी एक्सेलेशन प्रेसर एक्सेट्रा एट ए पॉइंट इन ए फ्लो फील्ड ओके यूलेरियन मैथड हमारा क्या होता है जिसमें हम डिस्क्राइब करते हैं विलोस्टी एक्सेलेसन प्रेसर एक्सेट्रा किसी भी एक पॉइंट पे फ्लो फील्ड में इसको बोलते हैं यूलेरियन मैथड नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अनस्टडी फ्लो द फ्लो पैरामीटर्स चेंज इज विद रेस्पेक्ट टू पोजिशन अनस्टडी फ्लो में क्या होता है जो फ्लूड पैरामीटर्स हैं वो चेंज करते हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम ना कि पोजिशन तो ये है हमारा ऑप्शन बी जो कि बिल्कुल गलत है फॉल्स ये देखिए इसका एक्सप्लेनेशन इन अनस्टडी फ्लो द फ्लोड पैरामीटर्स चेंज इस विद रेस्पेक्ट टू टाइम नोट फॉर द स्पेस नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिफॉर्म फ़्लो इज डिफाइंड एज द टाइप ऑफ फ्लो इन विच एक्सेलरेशन इज जीरो दैट इज़ विस्टी इज कॉन्स्टेंट विलोस्टी कॉन्स्टेंट इसमें नहीं होती है तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत है और ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट होगा यूनिफॉर्म फ्लो इज डिसाइडेड डिफाइंड एज द टाइप ऑफ फ्लो इन विच द विलोस्टी डज नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू स्पेस इसमें विलोस्टी विद रेस्पेक्ट टू स्पेस चेंज नहीं होती है तो ये होता है हमारा यूनिफॉर्म फ्लो ऑप्शन क्वेश्चन है हमारा ट्वेंटी वन वट इज द यूनिट फॉर द फ्लो रेट ऑफ गैस गैस के फ्लो रेट की यूनिट क्या होती है इसकी यूनिट होती है किलोग्राम फोर्स पर सेकेंड जो कि ऑप्शन नंबर डी है हमारा राइट यूनिट फॉर फ्लो रेट फॉर गैस इज न्यूटन्स पर सेकेंड और किलोग्राम फोर्स पर सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूड फ्लो इफ एरिया रिड्यूस देन वट इज़ द इफेक्ट ऑन द विलोस्टी अगर किसी इनकम्प्रेसिबल फ्लूड का एरिया हम रिड्यूस करते हैं तो उसकी विलोस्टी कम होती है या ज़्यादा होती है उसकी विलोस्टी ज़्यादा होती है जैसे हम किसी पाइप के सामने माउथ को हम प्रेस करते हैं दबाते हैं तो उसका एरिया कम हो जाता है जिसकी वजह से पानी का प्रेशर उसमें बढ़ जाता है तो सेम एज इट इज़ इसमें भी है तो उसका विलोष्टि बढ़ जाएगी जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर फिर क्वेश्चन आता है ट्वेंटी थर्ड वट इज़ द मोस्ट कॉमन एजम्पन वाइल डीलिंग विद फ्लूड फ्लो प्रॉब्लम्स यूजिंग कंटिन्यूटी इक्वेशन कंटिन्यूटी इक्वेशन के केस में कॉमन जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो कौन सी होती हैं फ्लो को हम अज्यूम करते हैं कंप्रेसिबल अनस्टडी स्टडी एंड टर्बुलेंट तो ये हम फ्लूड को स्टडी अज्यूम कर, करते हैं और ये ऑप्शन नंबर सी में है ऑप्शन सी हमारा राइट right आंसर है द डायमीटर ऑफ पाइप एट द सेक्शन वन इज़ नाइन सेंटीमीटर इफ़ द विलोस्टी ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप एट सेक्शन वन इज़ फोर पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड एंड सेक्शन टू इज़ नाइन मीटर पर सेकेंड लीटर माइंड द एरिया एट सेक्शन टू इसमें इक्वेशन को ही हम अप्लाई करते हैं तो राइट right आंसर इसके आता है ऑप्शन नंबर ए जो कि थर्टी थ्री पॉइंट नाइन थ्री और कैसे आया ये देखते हैं हम यहाँ से ए वन वी वन इजल टू ए टू वी टू तो एरिया ऑफ फर्स्ट पाइप इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेकेंड पाइप इन टू देर विलोस्टी तो हमने इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट किया ये थी हमारी विलोस्टी डी वन और डी टू ये हमारी वेलोसिटीज नाइन और फोर पॉइंट एट तो उसको हम कैंसिल आउट करते हैं तो डी टू स्क्र की वैल्यू हमें मिलती है डी टू स्क्र की वैल्यू हमें मिलती है जो कि है फोर्टी थ्री पॉइंट टू अब डी टू थ्री डी टू स्क्र को हम एरिया में जब चेंज करते हैं तो पाई आर स्क्वायर तो पाई की वैल्यू है थ्री पॉइंट वन फोर और डी है हमारा ये डिवाइड बाई फोर तो राइट right आंसर आता है हमारा थर्टीन पॉइंट नाइन टू मीटर स्क्वेयर यह आता है हमारा एरिया नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पन इज करेक्ट इन द डेरीवेशन ऑफ बर्नोलिस इक्वेशन बर्नोलिस इक्वेशन के लिए कौन सा इन इनकरेक्ट है इनकरेक्ट पर आप ध्यान देना इनकरेक्ट पूछा गया है इसमें द फ्लो इज आइडल आइडल इसमें होना चाहिए द फ्लो इज स्टडी द फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल एंड द फ्लो इज रोटेशनल इसमें लास्ट ऑप्शन है बिल्कुल सही क्योंकि बर्नोलिस इक्वेशन में रोटेशनल फ्लो का हम अजमसा नहीं लेते हैं तो इनकरेक्ट ऑप्शन आता है ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ बर्नोलिस थ्योरम इफ़ काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी इज चेंजिंग देन ओवरऑल एनर्जी चेंजेस हैंस एनर्जी इज नॉट कॉन्स्टेंट एट ऑल द द्लेस तो इसमें पूछा गया है अगर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को हम चेंज करते हैं तो ओवरऑल एनर्जी उसमें चेंज हो जाएगी तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत है तो ऑप्शन बी हमारा राइट right होगा ये क्यों होगा ये देखते हैं एनर्जी रिमेंस कॉन्स्टेंट एट ऑल द पॉइंट्स एज पर स्टेटमेंट ऑफ बर्नोलीज थ्योरम इवन इफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इज चेंजिंग अगर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी चेंज भी हो रही है फिर भी ये जो एनर्जी है ये कॉन्स्टेंट रहेंगी तो बर्नोलिस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है वेंचुरी मीटर इज़ बेस्ड ऑन इंटीग्रल फॉर्म ऑफ यूलर इक्वेशन। वेंचुरी मीटर जो होता है उसे हम डिस्चार्ज कितना होता है लिक्विड का उसको मेजर करते हैं तो वो इंटीग्रल फॉर्म ऑफ यूलर इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है इन्होंने ऐसा बताया है ये सही है या गलत है बिल्कुल गलत है तो ऑप्शन बी हमारा राइट right होगा क्यों क्योंकि वेंचुरी मीटर इज बेस्ड ऑन बर्नोलीज़ इक्वेशन ये यूलर की इक्वेशन पे डिपेंड नहीं करता ये बर्नोलीज़ इक्वेशन पे डिपेंडेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लो ऑफ फ्लूड अलोंग ए कर्बिलीनियर और कर्ड पाथ इज नोन एज जब फ्लूड का फ्लो कर्बिलीनियर हो या कर्ड पाथ में हो तो उस फ्लो का हम क्या बोलते हैं वोटेक्स फ्लो जो कि ऑप्शन नंबर डी है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अब्सेंट द फ्लो ऑफ़ फ्लो टाइप ऑफ वोटेक्स फ्लो इज नोन एज जब एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं अप्लाई किया जाता है तो उस टाइप के फ्लो को हम क्या बोलते हैं फ्री वोटेक्स फ्लो जो कि ऑप्शन नंबर सी है हमारा राइट आंसर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट एन एग्जाम्पल ऑफ फोर्स्ड वोटेक्स फ्लो जिस वोटैक्स फ्लो पे एक्सटर्नल फोर्स सप्लाई होता है उसको बोलते हैं फोर्स्ड वोटैक्स फ्लो तो इसमें कौन सा एग्जाम्पल इसमें से नहीं है लिक्विड कंटेंड इन ए सिलेंडर रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस फ्लो ऑफ लिक्विड इनसाइड एन इम्पेलर ऑफ सेंट्रिफ्यूगल पंप फ्लो ऑफ वाटर थ्रू ए रनर ऑफ ए टर्बाइन फ्लो ऑफ लिक्विड अराउंड ए सर्कुलर बैंड इन ए पाइप सर्कुलर बैंड में जो पाइप होता है सर्कुलर बैंडेड पाइप होता है उसमें जब लिक्विड फ्लो करता है तो उस पे हम फ्रोस्ड फोर्स्ड वोटेक्स को कंसिडर नहीं करते तो ऑप्शन डी है हमारा राइट आंसर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट एन एग्जाम्पल ऑफ फ्री वोटेक्स फ्लो अब इसमें जो एग्जाम्पल है फ्री वोटेक्स फ्लो का नहीं होना चाहिए तो इसमें हम ऑप्शन पर देखते हैं द फ्लो ऑफ ए वाटर थ्रू रनर ऑफ ए टर्बाइन तो टर्बाइन में जो फ्लो होता है रनर्स के थ्रू तो वो तो फोर्स्ड होता है दो नेक्स्ट ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं द फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू ए होल प्रोवाइड एट बॉटम ये हमारा फ्री वोटैक्स है ए पूल इन ए रिवर ये भी हमारा फ्री वोटैक्स फ्लो है फ्लो ऑफ लिक्विड अराउंड ए सर्कुलर बैंड इन पाइप ये भी हमारा फ्री वोटेक्स फ्लो है तो राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन आता है ए टर्बाइन में जो वाटर फ्लो होगा वो फ्री वोटेक्स नहीं होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर वोटेक्स फ्लो डज नोट टेक इनटू अकाउंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को वोटेक्स फ्लो कंसिडर करता है या नहीं करता है तो ये है ऑप्शन नंबर बी फॉल्स क्यों फॉल्स है ये देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर वोटेक्स फ्लो डज नॉट टेक इन टू अकाउंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को वो कंसिडर नहीं करते हैं वो सीअर फोर्स को कंसिडर करते हैं बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कंसिडर नहीं करते नेक्स्ट है वट इज़ द नेचर ऑफ स्ट्रीम लाइन्स ऑफ फ्री वोटैक्स फ्लो फ्री वोटेक्स फ्लो का स्ट्रीम लाइन कैसी होती हैं वो होती हैं सारी कॉन्सेंट्रेट जो ऑप्शन ए है हमारा राइट right आंसर concentric Which of the following is not a case of ideal fluid flow? इसमें से कौन सा एक केस है जो ideal fluid flow के सेटिस्फाई नहीं करता है Forced vortex flow ये बिल्कुल भी इसमें फॉलो नहीं करता आइडल flow को तो इसमें नोट ही पूछा है हम एक बार ऑप्शन को अच्छे से पढ़ लेते हैं यूनिफॉर्म फ्लो सिंक फ्लो सुपर इम्पोस्ड फ्लो तो ऑप्शन ए है हमारा फोर्स्ड वोटेक्स फ्लो हमारा आइडल फ्लूड के केस में नहीं आता है ऑप्शन बी है राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिंक फ्लो इज फ्लो इन विच फ्लूड मूव्स रेडियली इनवर्ड टुअर्ड ए पॉइंट वेयर इट डिसअपेयर्स एट ए वेरिएबल रेट ये सही है या गलत है ये जो क्वेश्चन है ये गलत है जो कि ऑप्शन बी में बताया जा रहा है इसका एक्सप्लेनेशन क्या है देखते हैं द सिंक फ्लो इज़ फ्लो इन विच फ्लूड मूव्स रेडियली इनवर्ड टुवर्ड ए पॉइंट वेयर इट डिसअपियर्स एट ए कांस्टेंट रेट तो कॉन्स्टेंट रेट इसमें बताया गया है कॉन्सटेंट रेट पे वो डिसअपियर होता है जबकि हमारे क्वेश्चन में वेरिएबल रेट पे उसको पूछा गया था तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत है तो ऑप्शन बी है हमारा राइट right आंसर ये था हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और देखते रहिए मेरे चैनल क्योंकि इसमें आने वाली सारी वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होंगी जो कि आपके काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी कंपिटेटिव एग्जाम्स में Thank you for watching. Have a good day.